नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जोहार झारखंडी पे। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज बिरयानी। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए हम इंडिया गेट बासमती चावल ले लेंगे। एक बर्तन में चावल डालेंगे, पानी डालेंगे, चावल को हम भिगो के 20 मिनट के लिए रख देंगे। कढ़ाई में सरसों तेल डालेंगे, प्याज डालेंगे, प्याज के चला के आपको मीडियम फ्लेम पर भूनना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए। देख सकते हैं प्याज हमारा भुन चुका है और ये ब्राउन भी हो चुका है। अब इसको निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। एक बर्तन में पनीर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे एक चम्मच, धनिया पाउडर डालेंगे एक चम्मच, नमक डालेंगे एक चम्मच, बिरयानी मसाला डालेंगे। इसको मिला लेना है, मिला के आपको 5 मिनट के लिए रख देना है। बचे हुए तेल में हम पनीर को फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए पनीर का। देख सकते हैं ये पनीर हमारा बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसको निकाल के रख लेंगे। हंडी में रिफाइंड तेल डालेंगे, खड़े मसाला डालेंगे, पानी डालेंगे। पानी देख सकते हैं उबल चुका है, चावल भी फूल चुका है। अब हम चावल डाल देंगे, घी डालेंगे फ्लेवर के लिए। इसको मिला लेंगे अच्छे से, चावल को पकने के लिए छोड़ देंगे। देख सकते हैं चावल हमारा पक चुका है। अब इसको एक टोकरी में छान लेंगे चावल को। चावल को आपको आधा पकाना है, पूरा नहीं पकाना है। कढ़ाई में जो बच गया था तेल उसी को हम यूज़ करेंगे। थोड़ा सा तेल डालेंगे, घी डालेंगे फ्लेवर के लिए, खड़े मसाला डालेंगे, इसको चला लेंगे, प्याज डालेंगे, प्याज को भी चला के आपको भून लेना है। देख सकते हैं प्याज हल्का फ्राई हो चुका है। अब इसमें गाजर डालेंगे, गाजर को भी आपको चला के मिला लेना है। शिमला मिर्च डालेंगे, इसको भी चला के मिला लेना है। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, टमाटर का प्योरी डालेंगे, इसको भी चला के मिला लेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, इसको भी चला के मिला लेंगे, गोलकी जीरा का पेस्ट डालेंगे 2 चम्मच, इसको भी चला के मिला लेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, हल्दी पाउडर डालेंगे 2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। इन सभी मसालों को अच्छे से मिला के भून लेंगे। बिरयानी मसाला डालेंगे, सभी चीज़ों को आपको मिला के मीडियम फ्लेम पे भूनना है ताकि अच्छे से पक जाए सारे मसाले। कश्मीरी मिर्च पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, इसको चला के मिला लेंगे, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। गरम मसाला डालेंगे 1 चम्मच, पनीर मसाला डालेंगे 1 चम्मच। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। पनीर जो हमने फ्राई किया था उसको भी डाल देंगे। अब इसको चला के मिलाएंगे सारे मसाले के साथ। हल्के से चलाना है, नहीं तो पनीर हमारा टूट जाएगा। देख सकते हैं इस तरह से आपको मिला के इसको फ्राई कर लेना है। काजू डालेंगे, थोड़ा सा किशमिश डालेंगे, इसको भी चला के मिला लेंगे। देख सकते हैं पनीर हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसमें हम पानी डालेंगे, चला लेंगे। सभी चीज़ों को आपको मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है ताकि अच्छी तरह से पक जाए। चावल जो हमने पका के रखा था इसके ऊपर डाल के लेयर बना लेंगे चावल का। चावल को फैला देंगे, प्याज भून के रखा था उसको भी डालेंगे हम इस तरह से लेयर बना के। काजू डालेंगे, किशमिश डालेंगे, इसी तरह सारे चावल का आपको लेयर बना लेना है। देख सकते हैं इस तरह से हमने लेयर रेडी कर लिया है। अब बड़े से बर्तन में इसको हम ढक देंगे। आटे से अब इसको हम पैक कर देंगे चारों तरफ से ताकि ये स्टीम से पक जाए। इसको मीडियम फ्लेम पे 20 मिनट के लिए पकाना है। देख सकते हैं इस तरह से आपको ढक के पकाना है। अब ये पक चुका है हमारा बिरयानी। देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह से पक चुका है, अंदर भी अच्छे से पक चुका है और कलर बहुत अच्छा आया है। आइए अब गर्मा गर्म वेज बिरयानी को सर्व करते हैं। और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान।